युवाओं को एक इंस्पिरेशन मिले और जो हमारी नई पीढ़ी के लोग हैं वो जान पाए और उन्हीं के दिखाए हुए मार्ग पे चल पाए। भाजपा वाले नहीं चाहते हैं धर्म के लोग आगे बढ़े, ये देश में बंटवारा करने की स्थिति पैदा करना चाह रहे हैं और देश की जनता को एक ऐसा वातावरण दे रहे हैं जहाँ पे जहाँ वो आर्मी में यानी फौज में नौकरी देने में विफल रही है और जो इनकी जो ये एक योजना आई है जो अग्निवीर बनाएगी जिसके बारे में कोई भी सवाल आ रहा है और जहाँ आकस्मिक कार्यों से लोगों की मृत्यु हो रही है और जहाँ सरकार किसी भी तरह की सुविधा और ना ही किसी भी तरह का सपोर्ट कर रही है लोगों को, तो हम जितना हमसे हो पा रहा है उतना कोशिश कर रहे हैं लोगों की सहायता करने का। जन लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी जयंती भी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लखनऊ में उनकी वहाँ एक सम्मति चाहिए मजदूर बाहर जाना बहुत बड़ा हंगामा कर रहे हैं, अपराध कर दिया उन्होंने, क्योंकि लोक नायक जिनके जो जाने गए हैं हमारे आदरणीय जयप्रकाश जी, समाजवादी लीडर थे, एक क्रांतिकारी लीडर थे और एक सच्चे राष्ट्रवादी नायक थे। तो मैं समझती हूँ जो समाजवादी पार्टी द्वारा जो जेपी इंस्टीट्यूट जो बनाया गया है जयप्रकाश नारायण जी का, तो ना तो ये लोग और ये समाजवादी पार्टी के पैसों से नहीं बना, ये जनता के पैसों से बना है और ये जनता के समर्पित करने के लिए बना है, जिससे जनता जाने कि हमारे देश के लीडर्स कैसे थे, हमारे देश के नेता कैसे थे और उनसे एक हमें इंस्पिरेशन मिले, उनसे युवाओं को एक इंस्पिरेशन मिले और जो हमारी नई पीढ़ी के लोग हैं वो जान पाए और उन्हीं के दिखाए हुए एक मार्ग पे चल पाए। भाजपा वाले नहीं चाहते हैं कि जो सच्चे क्रांतिकारी लोग थे, जो सच्चे राष्ट्रवादी लोग थे, जो सच्चे समाजवादी लोग थे, जिन्होंने देश के लिए लड़े और जो देश को सही दिशा दिलाना चाहते हैं, तो इस तरह की छोटी हरकतें करकर एक बहुत ही निच स्तरीय एग्जाम्पल दे रहे हैं। इंडिया गठबंधन से लड़ाई हुई है इसी वजह से, जहां पूरे देश में इंडिया ब्लॉक का गठबंधन है, वहीं उत्तर प्रदेश में पीडीए यानी पिछड़ा दलित का जो अलायंस है, मैं समझती हूँ भाजपा वाले असली तौर पे पीडीए अलायंस से घबराए। सांसद जी, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तब उन्हें ओबीसी याद नहीं आया, अब ओबीसी याद आ रहा है। समाजवादी पार्टी की हमेशा से यह मजबूती के साथ डिमांड रही है कि कास्ट सेंसस होना चाहिए। आज हम महिलाओं को आरक्षण देने जा रहे हैं, लेकिन इसमें भी ओबीसी महिलाएं, माइनॉरिटीज की महिलाएं का हक और सम्मान और अधिकार की बात नहीं हो रही है। ये लोग नहीं चाह रहे हैं कि सब लोग, पूरा देश आगे बढ़े और सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग आगे बढ़े। ये देश में बंटवारा करने की स्थिति पैदा करना चाह रहे हैं और देश की जनता को एक ऐसा वातावरण दे रहे हैं जहाँ पे लोग भय में जिए, जो काल्पनिक है, जो सच्चाई नहीं है। गठबंधन के आपके सहयोगी कांग्रेस, पहले गठबंधन के सहयोगी जो कांग्रेस वाले हैं, पहले ये भाजपा वाले पप्पू करके राहुल गांधी को नामित करते हैं, रावण की परिभाषा दे दिया, क्या समझा जाए, रावण ने तो साम्राज्य स्थापित किया था, ये गठबंधन इकट्ठा होके मोदी को, जो मूलभूत के जो सवाल थे, जहाँ हम अच्छी शिक्षा अपने बच्चों को, अच्छा स्वास्थ्य अपने परिवार को, और जो सरकार की भी जिम्मेदारी है, जो ये पूरी तरह विफल रही है, जहाँ वो रोजगार देने में विफल रही है, जहाँ वो आर्मी में यानी फौज में नौकरी देने में विफल रही है और जो इनकी जो ये एक योजना आई है जो अग्निवीर बनाएगी जिसके बारे में कोई भी क्लियर पिक्चर नहीं है, तो मैं समझती हूँ, और जहाँ यह सरकारी जो सरकार के जो वेल्थ है, जो सरकार की जो वेल्थ है, जिस तरह एयरपोर्ट्स हैं हमारे, जिस तरह रेलवेज हैं, जिस तरह रेलवेज के साइट में जो ज़मीनें हैं इन सबको बेच रही है, इन सबका प्राइवेटाइजेशन कर रही है, तो मेरा मानना है कि सरकार गलत दिशा में देश को लेके जा रही है, जहाँ उसे कोई चिंता नहीं है देश की
महिलाओं की, देश के युवाओं की, देश की जनता की। मुख्य चुनाव यादव के खिलाफ एनडीए मुकदमा दर्ज कराना जा रहा है कि उन्होंने नियम विरुद्ध गेट फलान कर मूर्ति पे माल्यार्पण करने के, क्या ये सही है, क्या ये उनका ये सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। ये बुलडोजर चलाती है लोगों के घरों में, किस रूल के तहत ये बुलडोजर चलाती है? क्या न्यायपालिका नहीं है हमारे देश में? आप किस तरह का मैसेज देना चाह रहे हैं? तो ये भी उसी तरह का मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त तो राजीव कुमार ने कहा है कि आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी पार्टी ने अगर घोषणा लाभ देने की घोषणा की तो उसके खिलाफ कार्रवाई की, लाभ देने वाली घोषणा की अगर बात की तो उसके खिलाफ कार्रवाई की। लोग मैनिफेस्टो की बात करते हैं, ये डेमोक्रेसी का एक स्ट्रक्चर है जहाँ पार्टी बताती है कि